नमस्कार, विंदे भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए नजर डालते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। डभौरा का नाम बदलने के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। प्राप्त समाचार के अनुसार डभौरा का नाम बदले जाने के विरोध में डभौरा से विरोधी स्वर उठ रहे हैं, जो जिला मुख्यालय तक पहुंच गए हैं। जिला कलेक्टर रीवा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर डभौरा का नाम यथावत करने की मांग की गई है, जिस पर कलेक्टर महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी मांग मुख्यमंत्री तक भेजी जाएगी। डभौरा को डभौरा किए जाने के संदर्भ में रीवा कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से समाज सेवी विश्वनाथ प्रताप सिंह, समाज सेवी जगदीश राम नरेश यादव, अनिल दीक्षित, पंडित प्रदोष तिवारी सहित डभौरा के सम्मानित गणमान्य नागरिक उपस्थित हुए और कहा कि गुलाबगंज हमें मंजूर नहीं है, डभौरा को डभौरा ही रहने दिया जाए। ज्ञापन सौंपने वाले लोगों ने कहा कि अगर ज्ञापन के बाद कोई कार्रवाई नहीं होती तो शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ये है कि ये डभौरा एक ऐतिहासिक नगर रहा है, इतिहास के पन्नों में डभौरा का नाम दर्ज है और डभौरा पूरे एशिया महाद्वीप में जाना जाता है। डभौरा एशिया महाद्वीप में इसलिए जाना जाता है कि डभौरा का सिल्का सिंध पूरे एशिया महाद्वीप प्रसिद्ध है। डभौरा का महुआ, तेंदुपत्ता, गुड़मार फेनी ये पूरे एशिया महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ माने जाती हैं और करोड़ों करोड़ रुपये आय सरकार को इन चीज़ों से होती है प्रतिवर्ष। और डभौरा जब भारत का नक्शे में कब आया, 1857 जब क्रांति हुई, उस क्रांति के समय में डभौरा का नाम डभौरा था। जब रेलवे बनी तो डभौरा ही नाम था, इसलिए अंग्रेजों ने डभौरा का नाम डभौरा रखा। उसके बाद ये हमारे क्षेत्र के रणजीत राज दीक्षित 1857 में लड़ाई लड़ी थी, उसमें दर्जनों लोग, देश भर के लोग डभौरा आकर के शरण अर्थ लिए थे, जिसमें उनका अच्छा योगदान रहा है डभौरा के। और डभौरा में जो पाई जाने वाली औषधियाँ हैं वो देश में जानी जाती हैं। अभी जो छेड़छाड़ हुआ है कि डभौरा का नाम गुलाबगंज नाम से किया गया है, पूरे क्षेत्र जनता ये मांग करती है कि डभौरा ही उस पर रखा जाए। अगर नहीं रखा जाता है तो उसके लिए जलाभरण होगा और डभौरा को डभौरा ही इतिहास में रखा जाए, उसकी हम लोगों ने कलेक्टर महोदय ज्ञापन दिया। कलेक्टर महोदय ने कहा इसलिए हम जांच करा करके आप लोगों को आगे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने आश्वासन दिया, अगर नहीं होगा तो हम लोगों ने जलाभरण करने के लिए चेतावनी भी दी। ठीक है, आप लोग यहाँ किस लिए आए थे, क्या क्या लेके आए थे मैम के पास? आज हम लोगों ने नगर परिषद डभौरा, जो 1857 से डभौरा नाम रखा गया है, बीच में डभौरा का नाम चेंज करके गुलाबगंज किया गया, जिसके विरोध में आज हमारी क्षेत्र की जनता नगर परिषद डभौरा को डभौरा रहने दे, उसको लेकर के माननीय यहाँ कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और हमारी ये मांग है कि इतिहासों के पन्नों में डभौरा का नाम है और यहाँ तक विदेशों के न्यूयॉर्क में भी किताबों में छपा है डभौरा का नाम। डभौरा अपने रीवा ज़िले का पहला स्टेशन डभौरा है, जो आज उसको चेंज करके गुलाबगंज किया गया है, जिसके विरोध में लगातार क्षेत्र की जनता नगर परिषद डभौरा से आवाज़ उठा रही है, उसी को लेकर के आज हम लोगों ने यहाँ एकत्रित होकर के ज्ञापन सौंपने के लिए रीवा आया। कलेक्टर मैडम ने क्या आपसे आश्वासन दिया? हम लोगों ने जो ज्ञापन दिया है उसमें ये कहा गया है कि इस ज्ञापन को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल तक भेजने का काम करेंगे। निश्चित तौर में ये हकीकत उन्होंने आश्वासन दिया है कि डभौरा डभौरा ही रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हर एक इतिहास के पन्नों में डभौरा का नाम लिखा हुआ है। वही मांग हमारी क्षेत्र की जनता का है और हम लोग भरोसा करता हूँ कि डभौरा डभौरा ही रहेगा। आपकी क्या मांगे हैं? मांग ये है कि डभौरा को डभौरा रहने दें और अमर शहीद पंडित रणजीत राज जी की एरिया है, जहाँ सब बाहर से आदमी आके रुकते थे, अंग्रेजों से युद्ध हुआ है कटरा जंगल में। हम लोगों की यही मांग है पूरे डभौरा अंचल के आदमी।